दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कहीं आपका एंड्रॉइड फोन हैक तो नहीं है? अगर आपका मोबाइल किसी ने भी हैक कर लिया और आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, आप बेफिक्र हो, तो आपका एंड्रॉइड फोन किसी ने भी हैक किया या नहीं किया आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे जान पाएंगे? आज की इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बताऊंगा। अगर आपका एंड्रॉइड फोन किसी ने भी हैक कर लिया होगा ना, तो आपके मोबाइल के अंदर चाहे वो प्राइवेट फोटो हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके मोबाइल के अंदर कुछ भी हो, वो कोई और बंदा देखेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हो सके तो आपको ब्लैक भी कर सकता है। आपके मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप चैट है ना, जितने भी व्हाट्सएप चैट है वो कोई और बंदा पढ़ रहा है। क्या पता कि व्हाट्सएप के अंदर जो ना ऐसी प्राइवेसी चैट है, ऐसी फोटो है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो चीज कोई और बंदा देख रहा है। लेकिन आप इससे बेफिक्र हो, आपको पता नहीं है कि आपका एंड्रॉइड फोन हैक है या नहीं है, क्योंकि ये जो एंड्रॉइड फोन देख रहे हो ना बिल्कुल पावरफुल है और बिल्कुल खतरनाक है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल करोगे ना तो आप बिल्कुल सेफ हो। लेकिन यही पावरफुल एंड्रॉइड फोन कोई हैक कर लेना तो आपका जिंदगी बर्बाद भी हो सकता है और आपको ब्लैक भी कर सकता है, और आपके मोबाइल के अंदर जो बैंक अकाउंट है ना चुटकियों में साफ कर देगा, पैसा हैक कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप पता करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आपका एंड्रॉइड फोन किसने हैक किया, आपका कॉल कोई और बंदा सुन तो नहीं रहा, आपका कॉन्टैक्ट कोई और बंदा देख तो नहीं रहा, फेसबुक लॉग इन तो नहीं कर रहा, व्हाट्सएप चैट पढ़ तो नहीं रहा, ये सभी चीज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बिल्कुल खतरनाक तबाही वीडियो बनने वाला, जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं लेता वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा मोबाइल फोन। अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि कहीं आपका एंड्रॉइड फोन हैक तो नहीं, आपका व्हाट्सएप चैट कोई और बंदा पढ़ तो नहीं रहा, अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा बिल्कुल फ्री, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बिल्कुल फ्री होता है, बेल पे क्लिक ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, कमेंट के अंदर जो ना नाइस वीडियो, आप अपना नाम, ये वीडियो कहां से देख रहे हो आप, इस वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों मैं आपको सबसे पहला खतरनाक खुफिया मेथड और ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जो आप चेक कर सकते हो कि कहीं आपका मोबाइल हैक तो नहीं है, कहीं आपका मोबाइल कोई और बंदा हैक किया हो और आपको पता भी नहीं चले, और आपके मोबाइल के गैलरी के अंदर जो फोटो है प्राइवेटी वो कोई और बंदा देख रहा है। आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारा ऐसे चीज होता है जो कोई और बंदा देख रहा है, आपको पता भी नहीं चला है। तो आपको कैसे चेक कर पाओगे? तो सबसे पहले चेक करने का तरीका यह है कि आपके मोबाइल के अंदर जो है जीमेल ऐप तो होगा ही, जो गूगल के अंदर जो जीमेल अकाउंट होता है ना वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है। अगर आप इसे चेक नहीं करोगे ना तो आपका मोबाइल पूरी तरह से हैक हो जाएगा, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट सब कुछ कोई और बंदा देखेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कैसे चेक करना है? तो आपको जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना प्रोफाइल, इस पे क्लिक करना होगा। यहां पे गूगल अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है? तो जैसे मैं गूगल अकाउंट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और जैसे गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और सिक्योरिटी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे सिक्योरिटी के अंदर जाओगे ना तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। तो जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा मैनेज ऑल डिवाइस, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैनेज ऑल डिवाइस पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये जो आप डिवाइस आप जो देख रहे हो, इतना सारा जो डिवाइस देख रहे हो ना, ये आप ही का डिवाइस है, यानी कि आप डिवाइस का नाम होगा, मॉडल नंबर होगा, और जो जो एक्टिव होगा ना तो यहां पे आपको जो ना एक्टिव दिखाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहां से आपको चेक करना होगा ये सारा का सारा डिवाइस जो ना मेरे मोबाइल के अंदर ऑलरेडी लॉग इन है, क्योंकि दोस्तों यहां पे वीवो का हो गया, ओप्पो का हो गया, और यहां पे देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M31 दिख रहा है और रियलमी GT2 दिख रहा है। यह सारा का सारा डिवाइस मेरे पास है, लेकिन क्या पता कि इस डिवाइस में से आपका डिवाइस ना हो, और आपको जैसे ही शक लगे बस आपको क्या करना, कोई भी डिवाइस पे आपको क्लिक करना। जैसे कोई भी डिवाइस पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे आपको जो ना लॉग आउट का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे लॉग आउट का ऑप्शन है ना, बस आपको लॉग आउट कर देना है और आपका जो ना डिवाइस है, जो ना जो भी डिवाइस में लॉग इन होगा ना वो लॉग आउट हो जाएगा, और आप जो है ना फटाक से आपको पासवर्ड को चेंज कर लेना होगा। आपको फटाक से पासवर्ड को चेंज कर लोगे ना, इससे आप सेफ हो सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाएगा ना तो जीमेल अकाउंट पे बहुत सारा लिंक होता है, यानी कि आपका लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप कब और कहां जाते हो, वो भी ट्रैक कर
कर सकता है, आपके गूगल फोटो के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइवेसी फोटो अपलोड करके रखते हैं वो भी देख सकता है, कॉन्टैक्ट जीमेल के अंदर सेव होता है, यानी कि बहुत सारा चीज, यानी कि इसके एक लेकर के जो ना मोबाइल पूरी तरह से हैक कर सकता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देना होगा और आपको जो ना यहाँ पे डिवाइस को चेक करना होगा। ये था पहला तरीका जो मोबाइल को हैक होने से आप बचा सकते हो और हैक होने से आप चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल हैक तो है नहीं, आप इससे चेक कर सकते हो। दूसरा खतरनाक खुफिया मेथड के बारे में बताऊंगा। तो दूसरा खतरनाक मेथड क्या है, खुफिया ट्रिक क्या है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों मान के चलो कि आपका व्हाट्सएप चैट है, जैसे कि यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे मैं व्हाट्सएप को सर्च कर लेता हूं, ये व्हाट्सएप है ठीक है। तो कहीं आपका व्हाट्सएप चैट कोई और बंदा पढ़ तो नहीं रहा, आपका व्हाट्सएप के अंदर जो फोटो है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है कोई और बंदा देख तो नहीं रहा, आपको पता नहीं, आपको बेफिक्र हो। लेकिन चेक करने का एक आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा कि कहीं आपका चैट कोई और बंदा पढ़ तो नहीं रहा, अगर आप चैट हैक है या नहीं है, अगर आप इसे चेक करना चाहते हो ना, इसके लिए आपको 3 डॉट पे जाना होगा। जैसे 3 डॉट पे जाओगे ना, तो किसी किसी व्हाट्सएप के अंदर 3 डॉट नहीं है, प्रोफाइल है ठीक है। तो जैसे आप 3 डॉट पे जाओगे ना, तो यहां पे आपको लिंक डिवाइस करके आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, सेटिंग। लिंक डिवाइस पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे व्हाट्सएप के अंदर एक डिवाइस के अंदर यहां पे आपको लॉगिन दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो लॉगिन आप एक्टिव दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि ये जो व्हाट्सएप आपको डिवाइस दिख रहा है किसी मोबाइल दूसरे मोबाइल के अंदर लॉगिन है। लेकिन जैसे लॉगिन होगा ना, तो पहले क्या होगा कि पहले नोटिफिकेशन आपको बताता था व्हाट्सएप के अंदर, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर ऐसा ऐसा अपडेट आया ना कि कोई भी आसानी से QR कोड स्कैन करके आप तो यहां पे ऐसा आसान हो चुका कि सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप चैट को हैक कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन इससे आपको सावधान और सतर्क रहना है, यहां पे लिंक डिवाइस के अंदर आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो ना एंड्रॉइड डिवाइस आपको दिखने को मिल जाएगा, मॉडल नंबर, इस पर टैप करके आपको इसे लॉग इन कर देना। जैसे आप लॉग इन करोगे ना, तो उसके मोबाइल से जो ना व्हाट्सएप लॉग इन होगा, लॉग इन हो जाएगा और आपका व्हाट्सएप चैट सेफ हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप चैट कोई और बंदा हैक करके नहीं पढ़ सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान देना और हमेशा आपको चेक करना काफी जरूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है ना, हैकिंग भी उतना ही बढ़ते जा रहा है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना होगा जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अब बात करते तीसरा खतरनाक खुफिया मेथड के बारे में बताऊंगा, और यहां पे तीसरा ट्रिक ये है फेसबुक को लेकर के। दोस्तों फेसबुक तो हम सभी के मोबाइल के अंदर होता है और फेसबुक का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जानते हैं कि कहीं आपका फेसबुक अकाउंट हैक तो नहीं है, आपका फेसबुक अकाउंट कोई और दूसरे मोबाइल के अंदर लॉग इन तो नहीं है, आप कैसे चेक कर पाएंगे? इसे चेक करने के लिए काफी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो प्रोफाइल पे आपको सिंपल आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक कर नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे ना, सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग होगा, इस पे आपको क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो ना एक सेटिंग्स मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करोगे। जैसे सेटिंग्स में जाओगे ना, तो यहां पे सी मोर इन अकाउंट सेंटर होगा ब्लू कलर का, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, काफी सारा ऑप्शन होगा, तो चेक करने के लिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर जाओगे, काफी सारा सेटिंग होगा, तो यहां पे VUR लॉगिन इन यहां पे लॉगिन होगा ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको यूजर आईडी दिखेगा फेसबुक का, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे सेलेक्ट करने के बाद यहां से चेक कर सकते हो कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है कोई और डिवाइस के अंदर लॉगिन तो नहीं है, आपका फेसबुक अकाउंट कोई और डिवाइस के अंदर लॉगिन होगा तो यहां पे आपको बता देगा हैक तो नहीं किया। यहां से आप चेक कर सकते हो, एक ही डिवाइस यहां पे दिख रहा है, लेकिन यहां पे मल्टीपल डिवाइस दिख रहा है ना, तो आपको मॉडल नंबर के साथ दिखेगा कि ये मॉडल नंबर जो दिख रहा है ये आप ही का डिवाइस है या कोई और मोबाइल के अंदर है। तो जैसे आपको दिखे ना, बस आपको इस पे क्लिक करना, और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जाना फटाक से आपको पासवर्ड को चेंज कर लेना, यहां पे सिक्योरिटी होगा जैसे कि सिक्योर योर अकाउंट, बस आपको इस पे क्लिक करना होगा और आपका जो ना सिक्योर यहां पे पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। तो ये मुझे काफी खतरनाक कमाल का यूजफुल लगा सेटिंग, इसका इस्तेमाल कर सकते हो और हैकिंग से आप बचा सकते हो, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे 4 नंबर का बिल्कुल खतरनाक खुफिया मेथड और ट्रिक के बारे में बताऊंगा, और यहां पे जो ट्रिक है ना इंस्टाग्राम को लेकर के। दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम अकाउंट जो ना बहुत ज्यादा हैक हो रहा है और आप लोग को नहीं पता कि कैसे हैक हो जाता है और आप इसे कैसे सेफ कर सकते, कैसे आप बचा सकते हो। अगर आप इसे जानना चाहते, पता करना चाहते कि कहीं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई और बंदा चला तो नहीं रहा, आपका इंस्टाग्राम कोई और डिवाइस के अंदर लॉगिन तो नहीं है, अगर आप इसे पता लगाना चाहते हो, चेक करना चाहते हो ना, तो सिंपल तरीका है, इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिएगा और यहां पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना होगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों यहां पे अकाउंट सेंटर होगा, इस पे आपको क्लिक
क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा अकाउंट सेंटर नाम करके, और यहाँ पे आपको एक चीज दिखने को मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा वी आर यू लॉगिन्ड, यहाँ पे इन होगा, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका इंस्टाग्राम का यूजर आईडी होगा, उसको आपको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते कि किन किन डिवाइस के अंदर आपका इंस्टाग्राम लॉगिन है, किन किन डिवाइस के अंदर इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मान लो कि मेरा जो रियलमी G2 यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा डिवाइस है, लेकिन नीचे में आप देखोगे यहाँ पे डिवाइस टैप अननोन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अननोन डिवाइस क्या है, इसका क्या मतलब है भाई, ये क्यों आप मेरा इंस्टाग्राम जो ना अननोन डिवाइस के अंदर लॉगिन है, तो ये खतरे की घंटी है, तो कहीं मेरा इंस्टाग्राम कोई और डिवाइस के अंदर लॉगिन तो नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक तो नहीं हो चुका। अगर आप इसे बचना चाहते हो ना, सेव करना चाहते हो ना, सिंपल आप इसे लॉग इन कर दीजिएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। जैसे आप इसे लॉग इन करोगे ना, तो आपका जो अननोन डिवाइस के अंदर जो लॉगिन था ना, वो डिवाइस के अंदर लॉग इन हो जाएगा और आपको फटाक से नहीं इंस्टाग्राम का पासवर्ड को आपको चेक कर लेना होगा। लेकिन अगर आपको लगे कि ये डिवाइस मेरा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, लगे कि आपका ये डिवाइस मेरा नहीं है तो आपको लॉग इन करना और आपको पासवर्ड चेंज जल्दी कर देना होगा, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अब बात करते 5 नंबर का खुफिया मेथड और खतरनाक ट्रिक के बारे में बताऊंगा, और ये जो ट्रिक है कॉल को लेकर के, कहीं आपका कॉल कोई और बंदा सुन तो नहीं रहा, आपका कॉल जो है फॉरवर्डिंग तो नहीं, हैक तो नहीं है, आप जो भी बातें कर रहे हो कोई और बंदा कहीं सुनता हो, और कुछ घंटे से आपके मोबाइल के अंदर कॉल नहीं आ रहा, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर हर घंटे 2-3 कॉल आता है और अचानक कॉल आना बंद हो गया ना, तो आपको जो ना शक होना चाहिए कि कहीं आपका कॉल कोई और बंदा सुन तो नहीं रहा, फॉरवर्डिंग तो नहीं है। अगर आप इसे पता लगाना चाहते, चेक करना चाहते हैं, तो फोन डायलर के अंदर जाना पड़ेगा, किसी भी फोन डायलर के अंदर ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करने के बाद एक सीक्रेट कोड आपको डायल करना होगा, कौन सा सीक्रेट कोड आपको डायल करना, *#62# आपको डायल करोगे, जैसे यहां पे देख रहे हैं *#62# डायल करके कॉलिंग कर देना होगा। जैसे आप कॉलिंग करोगे ना, तो यहां पे कॉल फॉरवर्डिंग होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे नॉट दिख रहा है, नॉट कॉल फॉरवर्डिंग यहां पे दिख रहा है, तो आप इसका मतलब है कि आपका कॉल फॉरवर्डिंग यहां पे नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉट फॉरवर्डिंग दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका कॉल कोई और बंदा नहीं सुन रहा है, आपका कॉल हैक नहीं है, आपके मोबाइल के कॉल हैक नहीं है, इस बात का जरूर आपको ध्यान देना, और हमेशा चेक करना, अगर आप किसी को मोबाइल देते हो तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना और हमेशा चेक करना, क्योंकि यह एंड्रॉइड फोन काफी पावरफुल है, अगर आपका मोबाइल हैक हो जाए तो आप जो है ना ब्लैक भी कर सकते, आपका बैंक अकाउंट का भी पैसा खाली हो जाएगा, ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप अपने मोबाइल को हैकिंग से बचना है, कैसे आप चेक कर सकते कि कहीं आपका मोबाइल हैक तो नहीं है, आपका व्हाट्सएप चैट कोई और बंदा पढ़ तो नहीं रहा, हैक तो नहीं है फेसबुक या इंस्टाग्राम, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों अपने क्या लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।